करता जिनको प्रत्यक्ष रूप में पता चलता है समाजवादी का पाला हुआ है उनकी। इस पे आप लोगों का जो है किसकी सरकार है बताओ? कांग्रेस की। हार का डर नहीं है, फुल मोहब्बत है पांचों राज्य। अरे मोहब्बत में क्या भाई, आप डीएम को सिपाही बनाओगे, मोहब्बत कहाँ से होगी? देखिए हार का डर है, अपने 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 सब फील्ड में उतरना चाह रहे हैं तो उतरने दे, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल है, उसमें कैसे है आपको कुछ डाउट है क्या? कैसे क्या जो गुंडागर्दी करता है उनको प्रत्यक्ष रूप में पता चलता है समाजवादी का पाला हुआ है उनकी। आप लोग मणिपुर मणिपुर के बात कर रहे हैं, राजस्थान में दो मुसलमान को जला के भाई साहब को फेंक दिया गया हमारे भाइयों को। इस पे आप लोगों का जो है किसकी सरकार है बताओ? कांग्रेस की। तुम बताओ। अरे यार यही देवरिया में पांच लोगों को गोली मार दिया जाता है तो राजस्थान के दो की बात कर रहे हो, पांच पांच छह छह लोगों को मार दिया जाता है, उसमें कोई बात नहीं कर रहे हो? कार्रवाई हो रही है, क्या बात कर रहे हैं? क्या राजस्थान में जो कार्रवाई नहीं हुई उससे कार्रवाई नहीं हुई भैया? अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा उसके लिए। कब कार्रवाई हुई? कब कार्रवाई हुई? मैं जीत जाएंगे तभी कार्रवाई हुई। कोई मुद्दा नहीं हुआ है उससे कार्रवाई का। बोलिए अभी आप कह रहे थे, सुनिए 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 सुनिए, अभी आप कह रहे थे राजस्थान में, अभी आप सॉरी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं को, केंद्रीय मंत्री को और जो है सांसदों को जो है लाकर राज्य चुनाव लड़ाया जा रहा है, विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्या यह हार का डर है? हार का डर नहीं है, फुल मोहब्बत है पांचों राज्य। अरे मोहब्बत में क्या भाई, आप डीएम को सिपाही बनाओगे, मोहब्बत कहाँ से होगी? पीएम को कहाँ, पीएम को, पीएम को क्या बना रहे, सिपाही कैसे बना रहे आप? तो भाई आप केंद्रीय मंत्री को लाके विधायकी का चुनाव लड़ा रहे हो, ये कैसे मोहब्बत हो गई? देखिए हार का डर है, अपने 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 सब फील्ड में उतरना चाह रहे हैं तो उतरने दे, उसमें क्या दिक्कत है? हार क्या रहे, हारने का, ये तो विपक्ष हार रहा है, विपक्ष को जी बता। बीजेपी खत्म, पांचों जगह बीजेपी खत्म हो जाएगी, वहाँ कहीं नहीं आएगी, मतलब कैसे वो भी नहीं आएगी, कैसे कैसे जनता जनता काम कर रहा है, जनता राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला रहा है, कांग्रेस से जनता जुड़ गई है। फर्जी ढकोसला सारे जनता जान चुकी है, कोई बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन में केजरीवाल ने एक सभा किया मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई भाई हैं, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई भाई हैं, और वहीं लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके वोट मांग रहे हैं, ये क्या नौटंकी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहे, वो गलत नहीं कहे केजरीवाल, बिल्कुल सही कहे हैं, ये विधानसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव आएगा तो देखिएगा क्या स्थिति होगी। यानी ये अपने जो छोटे भैया हैं, ये अपने जो छोटे भैया हैं, जब प्यास लगे तो उन्हें जो हम बुला के प्याले पानी पी ले और जरूरत खत्म हो जाए दो झापड़ मार के भगा दे। नहीं नहीं ये ठीक है, छोटे भाई हैं तो भाई की मान, छोटे भाई तो छोटे भाई जैसे रहेंगे, बड़े भाई की जहाँ तक मैनेजमेंट का, यानी कि ये दोहरी राजनीति हो रही है? नहीं, कोई दोहरी राजनीति नहीं है, कोई दोहरी राजनीति नहीं है, कुछ नहीं है। गठबंधन में जो 26 भागड़ बिल्ले हैं जो एक दूसरे की शकल नहीं देखना पसंद करते थे, आज गठबंधन करके बैठा हुआ है, इसकी 40 हो गई तो 26 दिखा गए हैं। पता नहीं गांव गांव में ये गांव की पार्टी उसको भी मिला रहा है, लोग 40 हो गए उधर, मतलब 40 हो गए, 40 हो गए, 40 हो गए। अरे जिसकी जिसकी सत्ता अपना चला रहा है अपने, पता है कि पता है, सुन लीजिए, पता है मोदी है तो मुमकिन है लेकिन आज की तारीख में योगी है तो मुमकिन है। कोई भी सरकार नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती है, अभी एक लाख 26 हो जाए तभी नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी बनेगी सरकार। 15 लाख कब आए? कहाँ आए? 15 लाख बोले थे लॉलीपॉप खा रहे थे, 15 लाख आएंगे। भाजपा के लोग पदाधिकारी हैं, जो जो भाजपा के नेता लोग हैं उनको साफ 15 लाख मिला है, जो भाजपा के लोग मिला है लोगों खाते में, तब तो चिल्ला रहे हैं, सच्चाई बात कोई बोल नहीं रहा है, जो भाजपा के लोग चिल्ला रहे हैं उन्हीं को 15 लाख मिला है, सच्चाई बात है। लेकिन बकिया लेबर मजदूर किसान को कहीं नहीं मिला है, ठेला खुमचा वाले को कहीं नहीं मिला है, सिर्फ भाजपा के पदाधिकारियों को मिला है, ये मिला है। आपको मिला 15 लाख? अरे हमको 15 नहीं 50 मिला यार, कहाँ मिला बताइए? 50 मिला हमें, मिला कह रही है, मिला होगा, हम कह रहे हैं मिला होगा, हम कह रहे हैं मिला होगा,
हम तो कहीं अंकल कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य बनाइए। पीछे इसराइल पे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने क्यों सपोर्ट किया, तो इसराइल प्रधानमंत्री ने क्या फिलिस्तीन पे हमारा सवाल लीजिए पहले फिलिस्तीन क्या क्या फिलिस्तीन का विरोध किया है मोदी जी ने? अगर आपका कहना है इसराइल को भाई इसराइल को सपोर्ट किया मोदी जी ने, तो क्या फिलिस्तीन का बहिष्कार किया? उन्होंने आतंकवाद का बहिष्कार किया है। हमास आतंकवाद है जी, हमास आतंकवाद है जी, फिलिस्तीन की जनता उनके साथ है जी, लेकिन उस आतंकवाद के साथ वहाँ की जनता है जी? नहीं, वहाँ की जनता होगी, हम इसमें इनकार नहीं करते हैं, लेकिन मोदी जी ने इसराइल का समर्थन क्यों किया? उनके यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपने स्पीच सुना? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि इसराइल को अरबों की जमीन खाली करनी पड़ेगी, जो इसराइल ने अरबों की जमीन यानी फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जा किया है। वो बात की बात नहीं है, वो बात की बात नहीं है। पहले आपका जो सवाल था कि मोदी जी ने इसराइल को क्यों सपोर्ट किया, उस पे मैं कह रहा हूँ। हमारा सवाल ये था, मणिपुर आपको नहीं बोला मोदी जी ने क्या फिलिस्तीन को बहिष्कार तो किया नहीं, घर के अंदर क्यों नहीं बोला? उन्होंने केवल आतंकवाद का बहिष्कार, बोल लेने दो, एक आदमी आतंकवाद का बहिष्कार किया, हमारा आतंकवाद है। अगर वहाँ पर पूरी जनता उस संगठन का समर्थन कर रही है, उनकी मांग यह है कि हमारी जमीनें खाली करो, तो ये तो वहाँ जाएं, यूनियन में जहाँ जाना है वहाँ जाके फैसला बैठा ले, वो मोदी थोड़ी ना करेंगे, वो मोदी थोड़ी ना पावर है। ऐसा क्या होगा, मान लो पूरी दुनिया इसराइल को पावरफुल मानती है, पूरी दुनिया मानती है रहेगा? छोटा सा मुल्क है, उसमें इतनी ताकत है,